तो दोस्तों फाइनली जैसे ही हम जल्दी पहुंचे हैं, हमने अपना सारा सामान रख लिया अपने रूम में, और सामान रूम में रखने के बाद हम निकले बाहर घूमने के लिए। तो अभी बस निकलने ही वाले थे रूम से कि अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई। तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं गाइस। तो अब हम निकल रहे हैं मार्केट के थोड़े मज़े लेने के लिए, मार्केट में घूमने के लिए। तो बन रहे इस वीडियो के साथ। और गाइस ये वाला व्लॉग है ना, एक नया व्लॉग बना करके मैं डालूँगा, ठीक है। तो जो राइडिंग व्लॉग था वो तो हमने आते ही एंड कर दिया, और ये नेक्स्ट व्लॉग है अपना। और वेलकम गाइस, वेलकम वंस अगेन यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल राइडर मैन वेंकी, एंड हम दोनों, ठीक है, स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का। तो बने इस वीडियो के साथ। तो चलो कंटिन्यू करते हैं, चलते हैं मार्केट। रास्ते में मार्केट की ओर जाते समय हमें एक ये टेरिस मिली है, एंड होटल वैली की ये टेरिस है। इसका दृश्य देखिए कितना सुंदर है, और पीछे देखिए कितना अच्छा व्यू देखने को मिल रहा है। वो देखिए कितना अच्छा व्यू देखने को मिल रहा है यहाँ से, कसम से यार मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। बताओ सच में एंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे? बहुत ज़्यादा, ठीक है ना? तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं एंजॉय। अभी बोलना सीख रही है मेरी, ठंडी का भी कर रहे हैं और मौसम का भी कर रहे हैं। इनकी भाषा पता नहीं कैसी है, मेरी तो वैसे बिगड़ी पड़ी है, ठीक है ना? तो ये पता नहीं बोल कैसे रहे हैं। तो गाइज कसम से रियली एंजॉइंग वेरी मच। तो होप ये कंटेंट, ये वीडियो आपको खूब पसंद आएगा, और फर्स्ट टाइम कोई ऐसा वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो चलो देर ना करते हुए जल्दी से चलते हैं मार्केट की ओर, क्योंकि बारिश का मौसम है। अगर बारिश तेज़ होगी ना तो फिर गाइस मुश्किल हो जाएगी वापस आने में, एंड हो सकता है जाते समय कहीं रास्ते में रुकना भी पड़ जाए। गाइस आप दोस्त भी बोल रहे होंगे कि बारिश का मौसम है, दोनों ने चश्मे लगा रखे हैं, ठीक है। गाइस क्या है ना कि कभी कभी मौका मिलता है चश्मा लगाने का, तो फिर लगाएं क्यों ना यार, ठीक है ना। वैसे भी ना एक्चुअली हवा चल रही है ना, तो पत्तियाँ वगैरह ना झड़के वो गिर रही है नीचे, तो इसी के चलते लगाए चश्मे कि कहीं कोई पत्ती आँख में आँख में ना लग जाए, ठीक है। मौसम भी थोड़ा हवादार है, तो इसलिए तो प्लीज़ ये बताना भी ज़रूरी था कि क्यों लगा रखे हमने चश्मे बारिश के मौसम में। ये बता रहा था मैं आप दोस्तों को, अब देख सकते हैं कैसे छोटे छोटे पत्ते हवा में उड़ रहे हैं नीचे आते हुए, मीन्स काफ़ी तेज़ हवा चल रही है यहाँ पर। तो इसी के चलते ना एक गाना याद आ गया, मौसम का तकाजा है। इससे ज़्यादा गाने गाएंगे ना तो कॉपीराइट ना लग जाए, डर लगता है भाई। वैसे भी आवाज बहुत अच्छी है अपनी, चॉकलेटी। गाइस मौसम बड़ा सुहाना हो चुका है, एंड आप देख सकते हैं हवा तेज होने के कारण मिट्टी वगैरह उड़ रही है। तो हमने क्या किया कि हम आ गए इस एक अच्छे से रेस्टोरेंट में, एंड चाय और कॉफ़ी ऑर्डर करी है, या कुल्लड़ में चाय मिलेगी, कुल्लड़ कप में ही आपको कॉफ़ी मिलेगी। तो ये है ऑनर यहाँ के, ठीक है। तो चलो गाइस बिग चिक डलहौजी में इंजॉय करते हैं चाय एंड कॉफ़ी का, एंड वो बैठे हैं अपने कर्मा मैडम माया। तो मैडम माया आपका ऑर्डर आया, या तो फ्रेंड्स अपनी भी कॉफ़ी आ गई है ये। एक चीज़ ये जो कॉफ़ी की आर ना, ये आर डाली मेरे को समीर भाई ने, एंड अब उनकी ट्रांसफ़र हो चुकी है, एयरफोर्स में है वो, एंड अब ट्रांसफ़र के बाद वो जा चुकी है जोधपुर राजस्थान। तो भाई कोई बात नहीं, आपने ऐसी आदत डाली कि अब मैं इसको छोड़ नहीं सकता हूँ, मीन्स बहुत अच्छी आदत डलवाई भाई आपने। खैर इसी बहाने आपकी याद आती रहेगी गाइस। तो साबिर भाई ये कॉफ़ी आपके नाम, ठीक है, चीयर्स। डिलीशियस डिलीशियस। दोस्तों आपने कुल्लड़ गिलास में ना चाय तो पी होगी, बट कॉफी कुल्लड़ कप में आई है अपने लिए। तो होप जैसे मैं मजे ले रहा हूँ, आप भी मजे ऐसे लेते होंगे जब कभी कॉफी पीते होंगे।
कसम से लाजवाब डिलीशियस। तो गाइस फाइनली मैंने खूब इंजॉय किया इस टेस्टी कॉफ़ी का जो कि परोसी गई थी मेरे को कुल्हड़ कप में, और मैंने इस चाय का इंजॉय किया मेरी कुल्हड़ ग्लास में थी, तो मैं तो काफ़ी मज़ा लेके पी रहा था कि फर्स्ट टाइम ऐसे कुल्हड़ कप हाथ आया मेरे, तो छोड़ने का मन ही नहीं था। तो चलो बढ़ते हैं आगे। सो फ्रेंड्स, मौसम एकदम से चेंज हो गया, बारिश ख़त्म, एंड हम एंटर कर रहे हैं यहाँ तिब्बतन मार्केट। तो मार्केट में भी इतना रश देखने को मिला नहीं है एक्चुअली। अभी मैं वापस जा रहा था दूसरे एंड की ओर से, तो थोड़ा सा हमें भी अच्छा लग रहा है, फ्रीली घूम रहे हैं हम, मीन्स इतना रश ना होने की वजह से। एक्चुअली काफ़ी जो रास्ता है काफ़ी कंजस्टेड है, तो अगर दो बंदे इकट्ठे चले तो मुश्किल हो जाती है। तो खैर, मार्केट बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर मार्केट है, एंड बहुत अच्छा अच्छा सामान है यहाँ पे। एंड हाल फिलहाल काफ़ी दुकानें बंद पड़ी हैं, आई डोंट नो व्हाई। तो आप देख सकते हैं कुछ एक दुकानों पे कस्टमर्स हैं, सामान ले रहे हैं। और पाजी कैसे हो, ठीक हो सर? बढ़िया, राम राम मैम। तो ये शॉप है मैम की, एंड ये मैंने जैकेट्स देखी थी खुद अपने लिए, लेकिन शायद अभी ले नहीं पाऊँगा। एंड बता रहे मैम कि ये सारी सिलीगुड़ी मेड है, सिलीगुड़ी की ओर से आई हैं, और बहुत अच्छी जैकेट है। हालांकि प्योर लेदर नहीं है, लेकिन मिक्सर वैरायटी बहुत अच्छी है। राम राम, कैसे भाई? राम राम, आप? यस, और ठीक हो? जो वधिया चाहिए, पंजाबी आंदी है? तो शॉप्स बहुत अच्छी हैं यहाँ पे, लेकिन अभी पता नहीं क्यों कस्टमर कम है मार्केट में, एंड सामान तो अल्टीमेट बढ़िया। एंड ये टॉय शॉप। और पाजी ठीक ठाक हो? मीन्स हर तरह की वैरायटी, जो एक टूरिस्ट को घूमने आते समय एक दिमाग में होता ना कि यार ये कुछ ऐसा लेना है, तो वो सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। साइमन निकलना जा, ये कहीं पकड़ के ले जाएंगे, आजा। और ये एक शॉप दिखा है यहाँ पे सारा, मीन्स जैसे ऊन का बन रखा है सामान। ओ सर जी नमस्कार, तो चलो अब निकलेंगे बाहर। जिस ओर से हमने एंटर किया था ना, उसी ओर से हम बाहर निकलेंगे। एंड काफ़ी देर पहले आया था जब मैं, तो अगर अब की देखी जाए तो काफ़ी चेंजेस आ चुकी हैं इस मार्केट में। एंड यहाँ हाथ की कला सामने देखने को मिल रही है अब दोस्तों को। ये चिपकाने का क्या, कैसे चिपकी गई? अच्छा, ये बड़े वाले किस रेंज में? बड़े वाले इवन 250-350। तो ये कुछ एंटीक टाइप बहुत अच्छा सामान। ओ ठीक ठाक सर। तो ये रहा मेन एंट्रेंस गेट जहाँ से हमने एंटर किया था, एंड यहीं से हम बाहर निकल रहे हैं। लैला है कुछ? लैला है? इंडो तिब्बतन मार्केट से बाहर आते ही हमें ये
कुछ स्टूडेंट्स मिले हैं, तो इनमें से एक दो स्टूडेंट जो है ना वो बेसिकली हमारे डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर से हैं। एक लड़की पठानकोट से अपनी, और एक लड़की है अपनी अमृतसर से, और बाकी उनके जो फ्रेंड्स हैं वो दिल्ली से है। किस किस ओर से भाई आप? दिल्ली, करनाल, हरियाणा। मीन्स ऑलमोस्ट पंजाब की जो हमारे कहते हैं कि एजुकेशनल क्रीम है ना, ठीक है ना, ठीक है, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, तीनों स्टेट से अच्छे अच्छे बच्चे, वेल एजुकेटेड, हाईली क्वालिफाइड कह सकते हैं कि अब तो डॉक्टर बनने वाले भाई। ये बहुत अच्छा लगा है, एंड आई प्रे टू गॉड फॉर देयर नेम एंड फेम, एंड प्रे करता हूँ कि ये जल्दी से जल्दी अपना कहते हैं स्टडी कम्प्लीट करे, और जो अपना मीन्स क्लिनिक खोलना चाहता है अपना खोले, जो बाहर जाना चाहता बाहर जाए, और जो सरकारी जॉब में जाना चाहता है वो सरकारी जॉब में आए। तो खुश रहें सभी, मस्त रहें, तो ऐसे ही फिर मिलेंगे इंशाल्लाह दोबारा। बाय बाय, टेक केयर गाइस, बाय, टेक। दोस्तों ये एक और मार्केट है, बहुत अच्छी मार्केट है, डलहौजी माल रोड की मार्केट है ये, यहाँ पे हम इस समय विचर रहे हैं, गुजर रहे हैं जिसमें से। और भाजी ठीक हो? बढ़िया बढ़िया, थैंक यू भाजी, थैंक यू। आया कुछ पसंद? तो मैं पूछ रहा हूँ मैडम को कुछ पसंद आया? बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स सज रखी हैं। ओके, ये वाइन कलेक्शन है मेरे ख्याल में। यस, इस मार्केट में फर्स्ट टाइम आया हूँ, एंड आकर के काफ़ी एंजॉय कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि बंदा कुछ ले मार्केट में, आकर कुछ खरीदे तभी एंजॉय होता है, हम देखकर भी खुश हो जाते हैं भाई। बस मेरे सर में जाएगा वो। पानी पूरी, गोल गप्पे, पंजाबी जही कहते हैं जी। तो खा लो मैडम, हूँ खा लो, करो शुरू। की लिखाने हैं? ओके, हो गई कंप्लीट, हूँ ऑलमोस्ट। वो छोटा सा बच्चा ना घोड़े पे राइड कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। तो लोग काफ़ी एंजॉय करते हैं यहाँ पे डलहौजी में। और सर जी, राम राम, पैरी बना। एक ये बहुत ही अच्छी शॉप दिखी है, तो चलो चल के देखते हैं अंदर क्या क्या है। एंड पहले तो म्यूज़िक सुनेंगे यार, बहुत अच्छा म्यूज़िक बज रहा है, और जो सामान है वो तो वैसे भी अल्टीमेट। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के, बहुत अच्छी शॉप दिखी है। तुम क्यों पीछे हट रहे हो भाई, क्या बात है? दोस्तों यहाँ डलहौजी में टहलते टहलते हमें मिले हैं सुल्तानपुर लोधी से, खुद इंट्रोड्यूस हो जाए भाई, मेरे को नाम भूल जाता है। गुरप्रीत सिंह, प्रोफेसर गुरप्रीत सिंह। यस, ये प्रोफेसर गुरप्रीत सिंह जी मिले हैं, फिक्स के लेक्चर हैं, और इनकी जो जॉब है ना वो हमारे नोर जैमल सिंह में है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में। तो अभी ये पीएचडी करने के लिए 2 साल का इन्होंने ब्रेक लिया अपनी जॉब से, और अमृतसर में स्टडी कर रहे हैं। तो ये साथ में इनकी फैमिली है,
सत श्रीकाल भाभी जी। ठीक है, तो ये के मिसिया जी का बेटा है भाजी, क्या हाल चाल है? ठीक है, चल वधिया यार, वधिया वधिया लगा मिलकर। गुरदासपुर की बोली बोलेगा ना, है ना? तो अच्छा लगा मिलकर सरदार जी से। ठीक है, तो इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। सत श्रीकाल, सत श्रीकाल सारे। ठीक है, थैंक यू। तो चलो बढ़ते आगे। ठीक है, तो गाइज बहुत ही अच्छा, बहुत ही अट्रैक्टिव रिएक्शन देखने को मिला है इन कॉलेज के स्टूडेंट्स की ओर से। तो कसम से सुबह से 3 बार मिल चुके हैं और अब बच्चों ने बाइक देखी, मैं खुद दिखाने आया एक्चुअली, मिलने आया इनको। तो बोले वन बाय वन करके ना हमने पिक लेनी है, तो अगर हो सका तो इस बाइक को लेके आए लद्दाख। तो ये जो अपनी छुटकी है ना, ये बोली है कि मेरे को ये बाइक चाहिए लद्दाख राइड के लिए। तो मैंने बोला ले जा भाई, तेरी है। ठीक है, तो चलो ऐसे हंसते रहो बच्चों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। एक शरारत सी है हवा के झोंको, एक शरारत सी है।